नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। रुद्रपुर में एक कलयुगी मां का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। मां ने अपने ही 2 महीने के बच्चे को 2 लाख में बेच दिया। बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? कल रात की बात है, तकरीबन 11:30 बजे इसके बच्चे की मां ने बताया कि वो जब बाथरूम गई थी तो बच्चे को कोई कमरे से उठा के ले गया। इसी मामले में तत्काल तकरीबन 12 बजे थाने पे सूचना आने के बाद तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया। वहाँ मौका मुआयना करके तत्काल तीनों थानों में चेकिंग, जो बॉर्डर के थाने हैं जहाँ से बच्चा लेके जाया जा सकता है, वहाँ चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई। तो इसी जांच के दौरान ये पाया गया कि पूर्व में जिस दाई ने इसको इसका प्रसव कराया था उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है। उससे पूछताछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा 2 लाख। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अधिवक्ताओं की हत्या को लेकर मऊ बार काउंसिल के अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर बार काउंसिल के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने के साथ मृत अधिवक्ताओं को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। मैं राज्यपाल महोदय को संबोधित है, शास्त्रीय उचित कार्रवाई है तो इसको प्रेरित कर दिया। हत्याएं, अधिवक्ताओं की ताबड़तोड़। आगरा में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चेयरमैन की हत्या हुई। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता की हत्या। बिजनौर जिले में आजकल एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वायरल होने के चंद घंटों के बाद ही पुलिस को इस वीडियो को बनाने वाले और वायरल करने वाले की शिकायत यूपी के डीजीपी से की गई थी। उसके बाद आनंद फानन में बिजनौर जिले की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोग पकड़े गए, क्या पूरा मामला? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कल शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक धर्म विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातें की गई थी और जिससे कि 2 धर्मों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। और इस चीज़ का वीडियो जब वायरल हुआ तो थाने में जब उसकी सूचना प्राप्त हुई तो मेरठ के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी करते हुए महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उक्त होटल की आड़ में वहाँ देह व्यापार का धंधा चलता है। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरठ में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन बदमाश है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मेरठ में बेखौफ हो चले बदमाशों से पुलिस की उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब बदमाश एटीएम ही लूटने का प्रयास कर रहे थे। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने जबरन घर में घुसकर युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता और उसके परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कटघर क्षेत्र में एक छात्रा के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया, इसमें क्या कार्रवाई हुई? इसमें थाना कटघर पर अभियोग पंजीबद्ध हो चुका है और उसमें विवेचना प्रचलित है। सर, परिवार वालों का ये भी कहना है कि जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा वापस लो। विवेचना की जा रही है, उसमें ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। खबर बुलंदशहर से, जहां भारी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद उपचुनाव हुआ है। कुल 53 में से 48 सीटों पर वोट पड़े। इस चुनाव में 5 जिला पंचायत सदस्य वोट डालने ही नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ओमवीर सिंह बुलंदशहर जिला पंचायत के अध्यक्ष बन सकते हैं। वहीं खुद को हारता देख प्रतिद्वंदी महेंद्र भैया ने अध्यक्ष पद से प्रत्याशी ओमवीर सिंह को समर्थन दे दिया है। अगली खबर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से है, जहां पर एक अस्पताल में महिला डॉक्टर नियुक्त है, लेकिन वो ज्यादातर समय छुट्टी पर रहती हैं। इसकी वजह से महिला मरीजों को अपना इलाज पुरुष डॉक्टर से ही करवाना पड़ता है। अपने साथ समस्या क्या है कि नगर में कभी आपको ओपीडी रिकॉर्ड निकाल के बताऊंगा, जिला अस्पताल के बाद जो हाईएस्ट ओपीडी है वो नरसिंहगढ़ अस्पताल की है। परंतु विडम्बना यह है कि अपने अस्पताल का जो सेक्शन बिस्तरों की संख्या वो 30 है। बिस्तर हम लोग 60-65 चलाते हैं। 60-65 बिस्तर चलाने का फायदा जनता को मिलता है, लेकिन नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। नुकसान में ऐसा है कि भाई नर्सिंग स्टाफ आए दिन शिकायतें होती रहती है कि नर्सिंग स्टाफ काम नहीं कर रहा, जबकि हकीकत यह है कि जो हमारा स्टाफ है वो 30 क्षमता वाले बिस्तर को चलाने के लिए उपयुक्त है। अब 30 बिस्तर से ज्यादा जो लोड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ असुविधा कुछ न कुछ वो तो बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग वर्तमान में 65-70 बेड हम लोग रन कर रहे हैं, जिससे कि
परंतु फिर भी जो है कमी है, जो हमारा ओपीडी आईपीडी का नाम है उस हिसाब से बहुत कम है। सर, काम करने में कितनी परेशानी महसूस करते हैं जब एक दिन में इतनी ज्यादा ओपीडी आ जाती है, 30 बिस्तरीय 60 लोग आते हैं, क्या क्या समस्याएं रहती है आपको? परेशानी तो 24 घंटे की परेशानी है भाई। ओपीडी तो एक चीज हो गई, ओपीडी चली मान लीजिए डॉक्टर से अनमोल, पेरिफेरी से भी कुछ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा रखी है, ओपीडी तो मैनेज होना एक अलग मैटर है। लेकिन मेन समस्या थी आईपीडी। आईपीडी में अभी आप कभी अभी अस्पताल जाएंगे तो आप देखेंगे एक पलंग के दो दो, फिर कई बार जो है मरीजों को जो इसके ऊपर रहते हैं उन्हें घर भेजना पड़ता है, और टाइम से शाम को वापस आते हैं, टाइम पर आके इंजेक्शन लगवाते हैं। ये सब इसके पीछे इसका जो हल है वो यही है कि अस्पताल को उन्हें स्वस्थ अस्पताल में जल्द से जल्द